told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you're not okay. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Assalamualaikum my YouTube family, welcome to Masala Vlogs and another vlog. Main hoon Maria Tay. Janab, subah ho chuki hai, party ka din aa chuka hai, party to banti hai aur uski taiyari jo hai abhi karne lage, lekin mama ne kaha hai ki usse pehle jo hai main lunch kar lu, kyunki mama ne aaj mere liye banaya hai mera favorite aloo keema aur uske sath mama ne rice boil kiya hai, to abhi main aur sabhi ka jo hai lunch karenge, uske baad fir cake ki frosting karenge aur kya 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 hota hai aur hum taiyar kaise hote hain, main kaun si ड्रेस पहनने वाली हूँ, मैं सब करूँगी आपसे शेयर। लंच जो है मैंने कर लिया था और मेरा देखा देखी सबिका ने भी लंच करना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो वो फिर कहती है कि मामा मारिया नहीं कर रही है तो मुझे भी नहीं करना है, लेकिन खैर लंच जो है हम दोनों बहनों ने कर लिया था। उसके बाद केक की फॉरेस्टिंग रहती थी। अच्छा जी, इसको जो मैंने फ्रिज में रख दिया ना, कोई इतना ही ज़बरदस्त और शानदार ज़बरदस्त किस्म का स्पंज है वो रेडी हो चुका था और मैंने कहा चलें जी अब इसकी जल्दी जल्दी से मैं जो ना फॉरेस्टिंग केक की कर देती हूँ, क्योंकि फिर शाम जो है करीब करीब थी तो उसके बाद फिर पार्टी का भी टाइम भी कुछ सेट नहीं हो रहा था, बच्चों के मदरसे और ट्यूशन जो होते हैं ना जैसे थोड़ी सेटिंग में मुश्किल हो जाती है, तो मैंने कहा चलो जी ये काम करके एटलीस्ट मुझे केक को 2 आवर्स बिना फ्रिज में रखना था ताकि जो मैं ऊपर चॉकलेट गनाच ऐड कर रही हूँ ना ये इसमें सेटल हो जाए। और मुझे इतना तो खैर ज़रूर आइडिया था कि ये जो है ना पार्टी की जान बनने वाला है और बच्चों को ये ज़रूर पसंद आने वाला है। अगर मौसम अच्छा होता ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस या बर्गर भी बनाती या कुछ कटलेट्स वगैरह कुछ तो और भी मैं होम मेड ज़रूर बनाती, लेकिन खैर केक रेडी हो चुका था और यहाँ जो है हमारी गोल टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए बैठी हुई है, हम बच्चों ने जो पैसे जो है ना कंट्रीब्यूट किए। अब मैं कहाँ से बच्चा आ गई, लेकिन खैर बच्चों के साथ तो मैं भी मतलब इन्हीं की फ्रेंड हूँ ना, तो खैर वो जो सारे पैसे जो है वो सब ने जो हम जमा किए थे हम लोगों ने, तो उसकी जो है हम लोग सब एक जगह मुझे बच्चों को हैंडओवर में कर रही थी और उन्हें लिस्ट बना के दे रही थी कि मार्केट से आप लोगों को क्या क्या लेके आना है, क्योंकि ये 3 शहजादे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इन्हें जो है बाज़ार का सामान लाना है। जो है काफ़ी हद तक पार्टी का जो है सेटअप हो गया, ये प्लास्टिक असल में उठी उठी इसलिए लग रही है ना क्योंकि ये डाइनिंग टेबल बहुत माशाल्लाह हेवी है तो हम लोग अकेले मिलके नहीं उठा पा रहे हैं, अगर राहिल पार्टी से पहले आ गए तो उससे हेल्प लेके उठवा लेंगे, नहीं तो फिर ऐसी प्लास्टिक को सेटअप वगैरह यहाँ पे कर दिया है और ताकि बच्चे आराम से नीचे बैठ कर रिफ्रेशमेंट वगैरह हो जाएगा। और ये काम कर लिया है, केक बन गया है, खुलिया देख लीजिए और अभी मुझे तैयार होना है, मैं तैयार हो जाऊँगी और बच्चे जो है नाश्ता लाने गए हैं, मतलब कि जो भी सामान रिफ्रेशमेंट का जो बाज़ार से आ रहा है बच्चे वो लाने गए हुए हैं, वो सब आता है फिर पार्टी शुरू होती है। ईशा जो है ये लेकर आई है दुखा, और ईशा क्या लाई हो तुम, चलो ये देखेंगे कितना प्यारा सा गिफ्ट जो है अरीशा लेकर आई है पार्टी के लिए, अरीशा की तरफ से है, अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हो जी। अच्छा तुम समर वेकेशन में खुश हो जी, कितनी खुश हो, वेरी वेरी वेरी, चलो सही है फिर जी, अरीशा का गिफ्ट जो है हम एक्सेप्ट करते हैं आज, हम बस सबका गिफ्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं। तकरीबन 2 दर्जन समोसे ये देखेंगे और ये केक भी बन गया है, अच्छा लगा ये और अंदर चेरी जैम लगाया है। यहाँ पे जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी, बाकी भी मैं अभी बाकी होगी, अभी जरा मेरा थोड़ा फोटोशूट वगैरह चल रहा था, सभी का बाल खोल लो इनको, मैं बाल में जो अगर मैंने चॉकलेट केक भी निकाल के रखा, हाँ भाई इसकी कंडीशन ही बड़ी अच्छी है आप भी देख लें, ये अभी मैंने इसको 2 आवर्स हो गए हैं फ्रिज में सेटल करके रखे हुए ना, तो इसके थोड़ा अच्छे से सेटल वगैरह ये हो गया है, इसको मैं अगेन फ्रिज में रख लेती हूँ केक को ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तो बच्चे जो है इसको बड़ा ही इंजॉय करके खाएंगे, सब आके देख के जा चुके हैं केक और बस ये बच्चों का इंतजार है। एक्चुअली एक मिनट में गेट बंद कर दूँ क्योंकि पापा न्यूज़ देखने, एक्चुअली सीन यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से हुआ है कि लड़के जो है वो जाते हैं मदरसा कुरान पढ़ने, तो वो 8 बजे आएंगे, मगरिब होते ही वो चले जाएंगे और गर्ल्स जो है वो 7 बजे आ जाएंगे, तब अपने अपने घर से मदरसे की नमाज़ पढ़ के आ जाएंगी, तो हम लड़कियाँ यहाँ पे अपना फोटोशूट वगैरह कराएंगे और जो भी थोड़ी गर्ल्स की जो गेमिंग वगैरह होती है हम लोग उसको इंजॉय करेंगे पार्टी में, फिर जैसे ही लड़के जो है मदरसे से आएंगे तो फॉरन रिफ्रेशमेंट वगैरह हो जाएगा और फिर उन लोगों का फोटोशूट वगैरह थोड़ा सा हो जाएगा और बस फिर चलिए गेस्ट जो है अरीशा आ गई है, शाबाश बड़ी प्यारी लग रही है। अरीशा क्या पहना है तुमने, गरारा, योर फेवरेट, वाओ ब्यूटीफुल, चलो आ जाओ। गेस्ट आए भाई, छोटी सी क्यूट लिटिल सी प्रिंसेस आए।
और ये तो भाई गरारे वाली है उसकी परी। ये दोनों छोटे छोटे दूल्हे, शवाला दूल्हा। उनसे हमने लिटा दिया है ताकि ये सो जाए सुकून से। इनको निन्नी बाबा निन्नी आ रही है हाँ, और मम्मा जो है इसको टेक केयर करेंगे, यहाँ पे देखती रहेंगी कि ये सो ही रहे आराम से। हम अपनी पार्टी करते हैं। यहाँ पे जो है सारे बच्चे जो हैं आ चुके थे और बच्चे जो हैं अपनी मस्ती में जो है वो लग चुके थे और इन्हें जो है हम देख देख के खुश हो रहे थे। थोड़ी मस्ती हम भी इनके साथ कर ही रहे थे। और ये जो आपको दो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ बच्चों को देख के ना माशाल्लाह ज़रूर कह दिया कीजिए। बच्चों को कह के माशाल्लाह कहना जो है बड़े अच्छा रहता है उनको। बच्चे तो वैसे भी सबके होते हैं। मेरा तो मानना ही गलत है कि कोई जब ये कहता है कि ये मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे के लिए, तो मुझे बहुत शॉक्ड होता है, कोई ऐसा कैसे कह सकता है। बच्चे तो सबके सभी होते हैं ना। खैर यहाँ पे जो है मेरे साथ जो है मैंने बच्चियों को जो है अपने साथ लगा लिया था और मैंने कहा था चलो जी अब प्लेट्स में जो है हम लोग रिफ्रेशमेंट का सामान निकालते हैं। बच्चे जो है उधर खेल कूद में लगे हुए हैं, वो अपना इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे आइडिया नहीं था कि घर में पार्टी करने से भी इतनी शदीद गर्मी हो जाएगी। और बस मेरा मकसद ये था कि मैं जल्दी जल्दी पार्टी करूँ और सारे बच्चे जो है ना खैर खैरियत से अपने घर में जो है वो वापस चले जाएं। इसलिए जो है बेडरूम का भी मैंने जो है पूरी स्लाइडिंग डोर जो है ना उसको ओपन करवा दिया था ताकि पूरी हवा जो है टीवी लॉन्च में आए। और बस जी यहाँ पे पार्टी जो है वो चल रही थी। हमने बहुत लाइट सा रखा था कि बच्चे जो है गर्मी में आसानी से खा भी लें और बहुत, क्योंकि घर में मैं कुछ नहीं बना पाई, गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं फिर वही बात कहूँगी। तो हमने जो है फ्रेश फ्रेश से समोसे बनवाए थे और ये जो तीन शहजादे आपने देखा जो मेरे साथ जो है लिस्ट बना रहे थे, ये लोग जो है वहीं पर गए थे समोसे वाले की शॉप में और अपने सामने समोसे जो है बच्चे फ्राई करवा के समोसे अपने सामने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश से समोसे लेकर आए थे। और हमने चिप्स रखी थी और ये निम्को जो है ना, ये जो मेरे नेबर हैं आयशा लोग, अरीशा, अहमद, फातिमा, ये निम्को जो है वो बच्चे लेकर अपने साथ आए थे, तो वो निम्को हमने सर्व किया था। और मैंने जो है चॉकलेट चेरी जैम वाला जो है वो केक वगैरह बना लिया था, बच्चों को जाहिर सी बात है बड़ा पसंद आया था। और यहाँ पर ये देखें बच्चों की मस्तियाँ ही ख़त्म हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ माशाल्लाह इतना प्यारा प्यारा सा मेकअप करके आई। ये देखें लिटिल फातिमा और फुल ये मेकअप नहीं और इनका मेकअप इनकी मम्मा ने किया है। यहाँ पे जो है बच्चों की जो है फोटो सेशन हमने करना शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है ये जो है ये तीनों फ्रेंड्स हैं और ये सिबलिंग नहीं है इसी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम साथ जो है पिक्चर खिंचवाएंगे, तो इनकी जो है हमने पिक्चर साथ ले ली। और ये लोग जो है ये लोग तीनों भाई बहन हैं, ये गुड़िया जो है अकेले आई थी, ये दोनों भाई बहन छोटे छोटे से लिटिल लिटिल से, और ये रहे आयशा वाले, ये माशाल्लाह चारों भाई बहन हैं। ये रही इस बच्ची का नाम भी आयशा और ये भी हमारे अपार्टमेंट के। अब यहाँ पे टाइम हो गया था कि चने जी पार्टी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना गर्मी बहुत शिद्दत से बढ़ती जा रही थी। मम्मा ने कहा था कि बस जल्दी जल्दी करो मारिया ताकि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि बच्चे भी अपना परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी, और समोसे भी अब थोड़े गर्म गर्म थे, तो हमने कहा चले जी यहाँ पर जो है ना सब बच्चों को सेट वेट करके अब पार्टी करते हैं। यहाँ पे अब जो है रिफ़्रेशमेंट जो है अब उसको प्लेट, अच्छा मैंने यहाँ पे प्लान किया था इस बार के पहले सारी प्लेटें जो है वो सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को ना प्लेट्स जो है वो दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने पार्टीज़ की है ना उसमें ये बड़ा मुश्किल होता है, प्लेटें जाती रहती हैं और फिर मुझे आइडिया नहीं रहता है किस प्लेट में कितना गया है क्या गया है, और फिर वही हो जाता है किसी को कहीं कम ना हो जाए कहीं ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन सामान भी इस दफ़ा बड़ा ही लिमिटेड था और मुझे ये रिफ़्रेशमेंट बड़ा ही अच्छा लगा। और यहाँ पर ये बच्चों की देखें मस्ती नहीं ख़त्म हो रही है, सबिका को जो है शूटिंग करने में बड़ा ही मतलब खेल कूद यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो अब बस ये कि जो लड़कियाँ थी ना वो सारी जो है हमारे साथ जो है लग गई थी और सब चलते आई है भाई। हाँ कराची में इतनी शदीद गर्मी है कि और जगह भी गर्मी होती होगी, मैंने सुना है लाहौर में बहुत तेज़ गर्मी होती है और जगह होती है, लेकिन कराची में इतनी गर्मी की हमें आदत नहीं है ना, मतलब गर्मी की आदत तो है, हमें सर्दी की आदत नहीं है, पर इतनी शदीद गर्मी की आदत नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ना इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ अजीब किस्म की गर्मी है और यहाँ पर जो है बच्चों को जो है आराम से नीचे चटाई पर बैठा दिया था। उसके बाद जो है मैंने कहा मामा फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक जो है ग्लास में सर्व करते हैं और फिर जो है बच्चों को देते रहेंगे, तो ये ना हमारे लिए भी ईजी रहेगा, बच्चों के लिए भी ईजी रहेगा।
जाएगा ऐसे ना, बड़ा फिर होलझुल मच जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है किसको कोल्ड ड्रिंक मिली है किसको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है। यहाँ पर साथ ही साथ मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पीनी बच्चों के साथ ही ना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि गर्मी से मेरा भी हाल जैसे बेहाल हो रहा था। लेकिन ये के साथ ही बैठ गई हो ये कि मुझे बड़ा सोच रहा था कि बच्चों के जो हॉलीडे पड़े थे ना विंटर के, मुझे उसमें भी एक पार्टी रखनी चाहिए थी, लेकिन वो तो सर लेट हो। खुदा अपनी फ्रॉक दिखाओ, उठ के फ्रॉक दिखा दो, खुदा जल्दी से अपनी फ्रॉक दिखा दो। खुदा चाहे देखे खुदा कितनी प्यारी फ्रॉक पहन गई। चलो बैठो भाई के साथ पिक्चर ले लेते हैं दोनों। और सारे बच्चे जो हम निकल चुके हैं, ये बच्चों के निकलने के बाद की मस्तियाँ देखें। ये देखें बाहर क्या होला जोला मचा हुआ है इन लोगों का। सब खैरियत से जाओ अंदर। चलो ख़त्म हो चुकी है और सारे बच्चों को हमने टाटा बाय बाय जो है वो कर दिया है। अगर इस मैंने तो बहुत ही बच्चों के साथ मैंने सबीका ने मम्मा ने सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। देखें सबका मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, पर गर्मी बहुत है, गर्मी मैंने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए। लेकिन खैर से चटाई वगैरह का इंतजाम हमने कर दिया था, सुकून से सब कुछ हो गया। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें, छोटे छोटे बच्चों का सवाल है भाई लाइक करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।